श्री राधा रमन देव जी की असीम अनुकंपा से एवं परम आराध्य महाराज पुंडरीक गोस्वामी जी के मार्गदर्शन में श्री राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर केनाल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बाबा बालकनाथ नगर मकसूदा बाईपास जालंधर में शरद पूर्णिमा का उत्सव बहुत ही भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी ने शरद पूर्णिमा के महात्म पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी व गोपियों संग महारास रचाते हैं, जिसके चलते मंदिर में विराजमान श्री श्री भूतेश्वर महादेव जी का श्री गोपेश्वर सखी रूप में श्रृंगार किया गया। इस दिन भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है, फिर यही खीर चंद्र देव की शीतल किरणों के मध्य रखी जाती है। जब चंद्रमा की किरणें खीर पर पड़ती हैं, तब यही खीर अमृत बन जाती है, जिसे सभी को प्रसाद रूप में दिया जाता है। चंद्रमा को औषधि का देवता माना जाता है और इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत वर्षा करता है। इस दौरान भजन गायक राघव कपूर द्वारा राधे राधे नाम की धुन पर आए हुए भक्तों ने खूब मस्ती में नृत्य करके श्री ठाकुर जी को रिझाया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के प्रधान महेश गुप्ता, पदाधिकारी बॉबी खन्ना, हरीश महेंद्रू, सुधीर गुप्ता, दिनेश पुरी, स्मृति शर्मा मौजूद रहे। इसी के साथ रामकुमार खन्ना, रशपाल काटल, पुनीत खन्ना, चैतन्य खन्ना, प्रवीण कोहली, हरित गुप्ता, मुकुल हर्ष, यश दीप, सागर चावला, तीरथ अंजुल तिवारी, पुजारी अशोक मिश्रा, निर्मल अग्रवाल, ममता गुप्ता, रेणुका महेंद्रू, उर्मिल काटल, नीरू गुप्ता, रेणु खन्ना, दीप्ति खन्ना, शगुन, तमन्ना, खुशी, कनिष्का, सिमरन, मीना ठाकुर, लता, अंजू ठाकुर, रुचि कोहली, अंजू कोहली, ज्योति शर्मा, श्वेता, ज्योति, सुनीता, प्रियंका, अंजू कोहली, बलजीत, उषा, निर्मल शर्मा, अमरजीत, सविता मिश्रा एवं आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में भक्तों ने ठाकुर जी के श्री चरणों में हाजिरी लगवाई। जालंधर से हलचल के लिए जतिन की रिपोर्ट। देश जी की जय। ये राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर मकसूदा बाईपास में कनाल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में स्थित है। यहाँ पर शरद पूर्णिमा का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। शरद पूर्णिमा में जैसे कि भगवान रास लीला रचाते हैं, ये यहाँ पर भी सेम वही आपको दृश्य देखने को मिल रहा है। कहीं भी कोई मंदिर में लाइट नहीं है, सिर्फ दियों की रोशनी है और चंद्रमा की किरणों के सामर्थ्य में, तारों की छाव में यहाँ पर सब भक्त ठाकुर जी के साथ रास रचा रहे हैं। यही हमारे शरद पूर्णिमा के उत्सव का मेन मुख्य कारण भी यही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे शरद पूर्णिमा, हमारी सभ्यता, हमारे ठाकुर जी का जो इतिहास है उसके बारे में तभी पता चल पाएगा। बोलिए श्री राधा रमन लाल की जय। महोत्सव है हमारे मंदिर के प्रांगण में हो रहा है। शरद पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। आज से कार्तिक मास की सेवा नियम प्रारंभ होता है। आज के दिन भगवान कृष्ण ने हजारों गोपिकाओं के साथ निधिवन में रास किया था। दूसरा, आज चंद्रमा अपनी पूरी तेज से आकाश में विद्यमान होते हैं। आज चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के अमृत वर्षा करते हैं। हमारे धर्म में महात्म्य है कि खीर हम रखते हैं, उस पर चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, हम उसको जब प्रसाद के रूप में पाते हैं तो हमारी बुद्धि भगवान के चरणों की ओर लगती है, हमारा मन भी पवित्र होता है और शरीर के जो भी रोग होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। मैं यहाँ पर राधा विदेश जी के प्रांगण में, जो यहाँ पर बाबा बालकनाथ नगर केनाल इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स में स्थित मंदिर है और पुंडरीक गोस्वामी महाराज जी के दिशा निर्देश अनुसार उनके आशीर्वाद से यहाँ शरद पूर्णिमा का उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। खुले प्रांगण में दियों का प्रज्वलित किए गए हैं और खुले प्रांगण में राघव कपूर द्वारा संकीर्तन हो रहा है शरद पूर्णिमा का और सभी यहाँ आसपास के भक्तजन, हमारी विजय कृष्ण स्वामी सेवा समिति ट्रस्ट के सभी सदस्य और जितना हमारा परिकर है सभी लोग हाजिरी दे रहे हैं और खूब नृत्य वगैरह करके आनंद ले रहे हैं। मैं इस प्रांगण से सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी तरह ठाकुर राधा विदेश के साथ सारा शहर जुड़े और आनंद की प्राप्ति करें। चंद्रमा की चांदनी के बीच और दियों की छाँव में हमारे मंदिर में बहुत ही भव्य उत्सव
अलौकिक नज़ारा देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारे महाराज श्री पुंडरीक गोस्वामी जी के आशीर्वाद से, श्री राधा वृंदेश जी की कृपा से और इलाका निवासी हमारे गुरु भाई, हमारे पंडित जी, हमारे ट्रस्ट के सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं सैकड़ों की गिनती में। यहाँ पे आज हल्दी लग रही है और ये जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये सम टाइम ही मिलता है, साल में एक बार ऐसा नज़ारे आते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा की किरणें, जैसे पंडित जी ने बताया कि पूरा उसका व्याख्यान किया, उसमें जो खीर प्रसाद सारा इकट्ठा आज वितरित किया जाएगा, उसमें जो किरणें आएंगी, उसमें चंद्रमा की शक्ति आएगी, भगवती माँ की शक्ति आएगी, जिससे कि कष्ट निवारण होंगे और हम पे ऐसी कृपा बनी रहे, ठाकुर जी ऐसी कृपा बनाएं कि हम ऐसे धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें।